हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इति एंड यू आर ऑल वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ व्हाट इज़ एन अल्काइल ग्रुप एंड हाउ वी कैन ऑब्टेन इट। एन अल्काइल ग्रुप इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एल्केन्स। मीन्स व्हाट कि जो अल्काइल ग्रुप है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ किया जाता है एंड हम उसे ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? एल्केन से ऑब्टेन करते हैं। आओ देखते हैं कि एल्केन से हाउ वी कैन ऑब्टेन एन अल्काइल ग्रुप। एन अल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग वन एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्केन्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो रिमूव करने के बाद जो पीछे बच जाएगा वो हमारे पास क्या रह जाएगा? अल्काइल ग्रुप रह जाएगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एग्जाम्पल ले ली, एल्केन फैमिली के फर्स्ट मेंबर की एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, दैट इज मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या है? CH4। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो अगर मैं CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो पीछे क्या बच जाएगा? CH3। सिंपल मैथमेटिक्स है, चार हाइड्रोजन थे, एक को रिमूव कर दिया तो पीछे कितने रह गए? तीन हाइड्रोजन रह गए। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? फर्स्ट मेंबर एल्केन फैमिली का, इसको हम बोलते हैं मीथेन। जहां पे मेथ क्या है? इसका वर्ड रूट है जो कि बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। एंड एन क्या है? इसका सफिक्स है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आफ्टर रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन उसका नाम लिखूं जो पीछे रह गया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन से क्या बन जाएगा? एक ही कार्बन है तो वर्ड रूट तो मेथ ही रह जाएगा। आपने क्या करना है, आपने जो सफिक्स एन है उसको किससे रिप्लेस कर देना है? वायल से। ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क आएगा, इसका नाम मीथेन था तो उसका नाम क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। मींस एन को जो सफिक्स है हमने रिप्लेस कर दिया किससे? वायल से, बस यही है। ठीक है, अब अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ बहुत बार आपको। तो अब अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें, ठीक है, बाहर निकाल दें, तो ऑब्वियसली जनरल फॉर्मूला क्या रह जाएगा? CnH2n+1। यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब ऐसे ही हम बाकी के फैमिली मेंबर्स के लिए भी निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट मेंबर के लिए निकाला हमने। अगर मैं सेकंड मेंबर की बात करूं तो सेकंड होता है इथेन, C2H6। तो अगर मैं बीच में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C2H5। अगर इसका नाम इथेन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। जैसे मीथेन के केस में मिथाइल बना, ऐसे इथेन के केस में क्या बनेगा? इथाइल बनेगा। ठीक है, अब बच्चे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड डाली हुई है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? चार है। जब हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। स्टिल एक वैलेंसी अभी भी है जो फुलफिल होनी बाकी है, इसीलिए हम उसको इस बॉन्ड से शो कर रहे हैं जो इंडिकेट कर रहा है कि अभी यहाँ पे आके कुछ अटैच होगा जो कि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। थर्ड मेंबर ले लेते हैं। थर्ड मेंबर क्या है? प्रोपेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। अब ये फॉर्मूला कैसे लिखना है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जनरल फॉर्मूला वाली। ठीक है, आप लोग देख सकते हो उसे। तो इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? C3H7। इसका नाम क्या था? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर आ गया ब्यूटेन, C4H10। ऐसे ही एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो क्या रह जाएगा? C4H9। और इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। ठीक है, इसी तरह से आप और फैमिली मेंबर्स के लिए भी लिख सकते हो। सो आई होप आपको अल्काइल ग्रुप पता चल गया होगा, क्योंकि बच्चों को कई बार अल्काइल ग्रुप ही नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में अल्काइल ग्रुप है क्या। सो कुछ भी नहीं है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो आपके पास क्या रह जाएगा? अल्काइल ग्रुप रह जाएगा। ठीक है, और अल्काइल ग्रुप्स को हम एज सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं व्हाइल जब आप IUPAC नेमिंग करते हो, तो वहाँ पे कभी मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, इथाइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, सो दैट तभी आप व्हाइल डूइंग नेमिंग उन ग्रुप्स के नाम मेंशन कर पाओगे। ठीक है,
सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।